अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हनान फातिमा आसिफ बेबाक सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अभी तक आपने हमारे चैनल आसिफ बेबाक सच न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। आज मीडिया में आने का मकसद ये है, हम खुद मीडिया वाले हैं मगर शहर हैदराबाद की प्राइड इंडिया जो कंपनी है, उनके कंपनी के जो चेयरमैन है सनोबर बेग, सरासर मीडिया वालों की आवाज़ को दबाने के लिए एक कोर्ट में पिटीशन फाइल किए थे, उसके बाद में कुछ एक ऑर्डर लेके आए हैं मीडिया वालों की आवाज़ को दबाने के लिए। ये हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मीडिया की आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह से ऑर्डर लेके आया है। मगर हमने भी ऑनरेबल हाईकोर्ट का दरवाजा खोल दिया है। हमारे काउंसिल असद हुसैन साहब के जरिए हाईकोर्ट में हम लोगों ने भी सिविल एक CMA फाइल किया है और हाईकोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है। हम ऑनरेबल हाईकोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी अर्जी को कबूल किया है। 18 फरवरी जुम्मा के दिन उस पर सुनवाई होगी और उसके ज़रिए हक और बातिल का फैसला होगा, क्योंकि हम अब तक प्राइड इंडिया कंपनी के जो काली करतूते थे उसको आवाम के सामने उजागर करते आए हैं। मैं अकेला ही नहीं बल्कि हमारे ऐसे 32 मीडिया हाउसेस वाले हैं जिनके खिलाफ में इन्होंने सिटी सिविल कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया है जो सरासर मीडिया के खिलाफ में काम किया जा रहा है, और उसको लेकर हम सभी लोग इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं और ऑनरेबल हाईकोर्ट हमको इसका एक हक का फैसला देगा, हमको ये उम्मीद है। और हम लोग आवाम की आवाज़ को उजागर करने के लिए सनोबर के एक्टिविटीज़ को बाहर पेश किए थे, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों में होमवर्क किया है उसमें ये मालूम पड़ा है इनके डजन्स ऑफ FIRs हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस भी है, मैक्सिमम 420, 506 और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को असॉल्ट करने के केसेस इन पर बुक किए हैं। मगर ख़ास बात यह है, अब यानी इतने सारे FIRs रहने के बावजूद भी सनोवर बेग पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। काफ़ी दुख की बात है क्योंकि अब तक वो आवाम के थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ करोड़ रुपीज़ को खा चुके हैं। आप लोगों को सनोवर की एक्टिविटीज़ मालूम है, प्राइड इंडिया कंपनी किस तरह से लोगों को अब तक डुबाते आई है, मगर अब तक इनके खिलाफ में पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, यानी डजन्स ऑफ इनके ऊपर केसेस है। मगर इनके आप मीडिया के ऊपर क्या ऑर्डर लेके आए हुए हैं, आप लोग यहाँ पे अप्रोच होने का मतलब क्या है, किस वजह से आप लोग यहाँ पे अप्रोच हुए और सनोवर में आप मीडिया हाउसेस के ऊपर क्या ऑर्डर लेके आए? देखिए, उनके कोई एक आदमी है, उन्होंने थ्रू व्हाट्सएप जो है सभी को एक नोटिस सर्कुलेट किया है कि मीडिया की आवाज़ को दबाना है, उनके खिलाफ में कोई एक्टिविटीज़ नहीं बताना है। हमारा कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है सनोवर से, हम आवाम की जो तकालीफ थी, आवाम के साथ जो धोखा किया जा रहा था उनके अपने एक्टिविटीज़ को हम आवाम के फेवर में ही बता रहे थे। 8 नाडु माको का इंजेक्शन ऑर्डर వచ్చింది लोअर कोर्ट నుంచి। ప్రైడ్ ఇండియా అనే సంస్థ ఒక బిల్డర్, ప్రైడ్ ఇండియా యొక్క యజమాని అబ్దుల్ హలీం బేగ్ అలియాస్ సనోబర్ అనే అతను 32 మీడియా హౌసెస్ మీద ఒక ఇంజెక్షన్ ఆర్డర్ తీసుకొచ్చాడు। దాంట్లో ఏం చెప్తాడంటే, నేను మంచి బాలుణ్ణి, నా గురించి మీరెవ్వరూ ఏమి చెప్పకూడదు, రాయకూడదు, ఏమి మాట్లాడకూడదు। అలాంటిప్పుడు ఒక మనిషి అబ్దుల్ అలీం బేగ్ అనే అతను, అతని మీద 32 కన్నా ఎక్కువ ఎఫ్ఐఆర్లు ఉన్నాయి హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల పోలీస్ స్టేషన్లలో। అలాంటి క్రిమినల్ వ్యక్తి మా మీద ఒక ఇంజెక్షన్ ఆర్డర్ తీసుకొచ్చాడు, దాని గురించి మేము ఆలోచించి మేము అందరం కలిసి హైకోర్టును అప్రోచ్ అయ్యాము। రేపు హైకోర్టులో డివిజన్ బెంచ్లో ఉంది, మా యొక్క సీనియర్ కౌన్సిల్ అసద్ హుసేన్ గారు ఈ కేసు పర్యవేక్షిస్తున్నారు। ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే, ఒకటే ఒక మాట అండి, క్రిమినల్స్ మేము క్రైమ్ చేస్తుంటాము కానీ మీరెవ్వరు మీడియా వాళ్ళు చూపించకూడదు, మీడియా యొక్క గొంతు నొక్కేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఇలాంటి వ్యక్తులు, కానీ మేము ఒక్కటే హెచ్చరిక ఇస్తున్నాము, ఇలాంటి వ్యాపారవేత్తలు అయితే ఎవరైనా ఉన్నారో, ఇలాంటి గుండాలు అయితే ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు ఒకటే విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాము, దయచేసి మీడియా గొంతు మాత్రం నొక్కేందుకు ప్రయత్నం చేయకండి, చేయకూడదు, మేము నిజాలను చూపిస్తాము, నిజాలను చెప్తాము, నిజాలు రాస్తాము। ఏమో మేము అన్ని అతని గురించి మేము అబద్ధాలు రాసామని చెప్పాడు, అతని బిల్డింగ్లు అతని వెంచర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ GHMC వాళ్ళే కూలగొట్టారు, పోలీసుల సహాయంతోనే అది మొత్తం కూలగొట్టడం జరిగింది, అవన్నీ నేషనల్ మీడియాలో కూడా వచ్చింది। అతను చెప్పేది ఏంటంటే, మీరందరూ తప్పుడు న్యూస్ చూపిస్తున్నారని చెప్తున్నాడు। ముప్పై రెండు ఛానల్స్ పైన అతను కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది, మేము హైకోర్టులో అప్రోచ్ అయ్యాము, రేపు మార్నింగ్ హైకోర్టులో హియరింగ్ ఉంది, డివిజన్ బెంచ్లో ఉంది, సీనియర్ అడ్వకేట్ అసద్ హుసేన్ గారి పర్యవేక్షణలో ఉంది।
ईडी की रेट उनके मकान पे उनके ऑफिस से पड़ी है वो हमने बताया, तो इलीगल कहाँ से हो गया ये सवाल हमारा उठता है। तो बहरहाल जो भी हो ऐसे लोगों से, ऐसे फ्रॉड लोगों से हम डरने वाले नहीं है, डट के सामना करेंगे, जो होगा हम देख लेंगे। हम सभी मीडिया वाले एक साथ खड़े हैं और प्राइट इंडिया एक छोटी सी कंपनी है, देश की बड़ी सी बड़ी कंपनी भी आ जाए तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, इतनी ताकत हम में है। गरीब आवाम के हक के लिए आवाज़ उठाए तो आज हमारी आवाज़ को दबाने गए हुए, तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जो गरीब आवाम के लिए हम आवाज़ उठाए थे वो आवाम आइए, जो फ्रॉड हुए उनके हाथ से आइए हमारे पास आके, जो अपनी तकलीफ आए बताइए, मीडिया के सामने रखिए आप। नहीं, हमने अब तक जो भी बताया GHMC डिमोलिश की वो हमने बताया, तो ये इलीगल कहाँ से हो गया, ये वीडियो इलीगल कहाँ से हो गया। सनवर बेग जो है हमको कमज़ोर समझ कर डराने की कोशिश कर रहा है। सनवर बेग को हम ये बता दें, अभी वो नादान बच्चा है, मीडिया वालों पर कुछ इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो सोच समझ के लगाइए। हम जो भी न्यूज़ बता